हेलो ब्रिलियंस, अभी हम करने जा रहे हैं सिक्स्थ क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में क्या चीज़ है वो देखिए और समझिए। राइट फाइव पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20। हमें पांच पेयर बनाने हैं प्राइम नंबर्स के जो कि 20 से कम होंगे और जिनका सम, जिसका जोड़ प्लस करने पर वो 5 से डिविजिबल हो, यानी कि उसके लास्ट में 0 या 5 बने। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल आपको ये एक दे रखा है कि 3 प्लस 7 10 होता है, जैसे कि, और 10 जो है वो 5 से डिविजिबल है। तो ऐसे ही दो प्राइम नंबर्स का सम आपको निकालना है। इस तरीके से दो प्राइम नंबर्स ऐसे चूज करने हैं जिनको प्लस करने पर एक ऐसा नंबर आए जिसका यूनिट डिजिट या तो 5 हो या 0 हो, क्योंकि तभी वो 5 से डिविजिबल होगा। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं हम प्राइम नंबर्स के लिए। पांच पेयर बनाने हैं, टू से स्टार्ट करते हैं। तो एक टू हुआ और एक दूसरा जो है थ्री हो, तो क्योंकि दोनों को प्लस करके हमें मिलता है 5। ठीक है, तो 2 प्लस 3 इजल टू 5, जो कि डिविजिबल है 5 से, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट ये खुद है 5। एक पेयर हमने बना लिया। अब नेक्स्ट पेयर टू ही लेकर के, अब टू अगर हम लेते हैं तो दूसरा नंबर ऐसा कौन सा है जो कि 5 आए? 3 ही होगा उसके लास्ट में, और वो ऐसा नंबर है 13। 13 और 2 दोनों को जोड़े तो 15 आता है, जो कि डिविजिबल है किससे? बिल्कुल 5 से डिविजिबल है ये 2 और 13। नेक्स्ट नंबर अगर हम निकाले 2 से, अब नेक्स्ट 23 आता है जो कि 20 से बिगर है, तो इसलिए हम 23 नहीं लेंगे, 2 को अब एक बार छोड़ देते हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट जो है 2 के अंदर कुछ ऐसा जोड़े कि भी हमें 0 मिले तो वो 8 होगा, जो कि एक प्राइम नंबर नहीं कंपोजिट नंबर है, तो 2 को एक बार हमें छोड़ना पड़ेगा। अब नेक्स्ट नंबर 3 लेते हैं। 3 का 2 के साथ कॉम्बिनेशन हम बिठा चुके हैं। 3 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है, 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 5। 5 नहीं होगा क्योंकि 5 को ऐड करें तो 8 बनता है। 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 7। बिल्कुल सही, 3 प्लस 7 दोनों को ऐड करें तो हमें 10 मिलता है, जो कि 10 5 से डिविजिबल है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 0 है। इसी तरीके से 3 के साथ 7 के बाद 17 हम ले सकते हैं, क्योंकि दोनों को ऐड करें तो हमें 20 मिलता है, जो कि बिल्कुल, जो कि 5 से डिविजिबल है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 0 है। नेक्स्ट अब हम बनाना चाहें तो वो कौन सा होगा? 3 के बाद 4 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट है, तो 17 के बाद तो कोई नंबर हम अब हम ले नहीं सकते क्योंकि 20 से हमें लेस लेना है। 3 को छोड़ते हैं। अब लेते हैं 5। वैसे इन्होंने रिपीट ना हो ऐसा कुछ नहीं कहा, तो हम 5 प्लस 5 भी ले सकते हैं, लेकिन चलो कन्फ्यूजन क्यों करे, क्या पता हमारे हमारा सम है वो गलत निकल जाए। वैसे 3 प्लस 7 तो ये दे रखा है, तो ये वाला हम नंबर लेंगे नहीं, तो इसलिए ये हमारा कैंसिल हो चुका है। 5 प्लस 5 नहीं लेंगे। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? नेक्स्ट कोई नंबर है तो वो 15 समथिंग होगा, वो हमारे काम का नहीं है, तो इसलिए 5 को हम छोड़ते हैं, क्योंकि 5 के बाद नेक्स्ट नंबर 5 या 15 या फिर 25 ऐसा कुछ लेने पड़ेंगे, और जिसके यूनिट डिजिट 5 हो, 5 से तो डिविजिबल होता ही होता है, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। 5 को छोड़ते हैं। 5 के बाद हम जो नेक्स्ट नंबर लेते हैं वो है 7। सेवन लिया, सेवन से पहले हमने 3 ले लिया और 5 की तो जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि कोई कामयाब नहीं था सेवन के बाद। सेवन के बाद नेक्स्ट नंबर लेते हैं हम, 5 नहीं होगा, सेवन खुद नहीं होगा, सेवन के बाद 11 नहीं होगा, सेवन के बाद 11, 11 13, हाँ जी 7 प्लस 13 दोनों ही प्राइम नंबर है, दोनों को ऐड करें तो हमें मिलता है 20।
क्योंकि हमारा ये हम हमें नहीं लेना है तो इसको छोड़ रहे हैं हम। अब नेक्स्ट नंबर कौन सा ले? 7 के बाद नेक्स्ट नंबर 23 होगा, जो कि 20 से ज़्यादा है, इसलिए 7 को छोड़ते हैं। अब 7 के बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर आता है वो है 11। 11 में क्या जोड़े कि भी हमें 5 5 या 0 आए लास्ट में, तो वो नंबर या तो 9 होगा या फिर 4 होगा। 9 और 4 दोनों ही कंपोजिट नंबर है तो नहीं लेंगे। फिर 9 के बाद 11 खुद हो गया 11 13, 13 के बाद नेक्स्ट नंबर 17, तो कामयाब नहीं है इसलिए 11 को छोड़ते हैं। 11 के बाद हमारे पास नंबर आता है 13। 13 का पहले के नंबर तो हमने कॉम्बिनेशन बिठा लिए हैं, अब नेक्स्ट नंबर 17 है। देखिए दोनों को ऐड करें तो हमारा क्या आता है, 13 एंड 17 30, जो कि 5 से डिविजिबल है। तो ये फिफ्थ पेयर जो है हमारा जो है आ गया। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। 6 पेयर हमने बनाने थे, 6 के 6 पेयर हमने बना लिए, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा, जिसमें हम एक ये नहीं लेंगे, कौन सा जो मैंने क्रॉस लगा रखा है, बिल्कुल वो नंबर हम नहीं लेंगे। अब ये जो नीचे सिक्स्थ है ये आ गया ये वाला, तो 6 के 6 हमने ये निकाल दिए, ठीक है। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12। बाय।